तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें अपन को क्या दिया है, टू एपी हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन इज माइनस वन एंड द अदर इज माइनस एट। तो दो एपी हैं, लेट एपी वन हो गई अपनी माइनस वन, ठीक है, और उसके आगे के टर्म दो अपन को पता नहीं है, और एपी टू हो गई अपनी माइनस एट, और इसके लिए अपन को आगे के टर्म पता नहीं है, ठीक है। तो लेट आगे के टर्म इसके हैं ए टू, ए थ्री एंड ए फोर, ठीक है, और इसके आगे के टर्म है बी टू, बी थ्री एंड डी फोर, ठीक है। तो इसका डी कितना है, ए टू माइनस माइनस वन, तो हो गया ए टू प्लस वन, और इसका डी कितना है, बी टू माइनस माइनस एट, तो ये कितना हो गया बी टू प्लस एट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी करने की, पर ये बताना था मेरे को कि इन दोनों के डी सेम है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के डी सेम है और अपन को निकालना है बी फोर माइनस ए फोर, ठीक है, अपन को क्या निकालना है, बी फोर माइनस ए फोर, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म पूछा है ना उसने, तो बी फोर कितना हो जाएगा, बी फोर हो जाएगा माइनस एट, माइनस एट प्लस थ्री डी, और क्या करना है अपन को, ए फोर निकालना है, ए फोर कितना हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री डी, ठीक है, माइनस वन प्लस थ्री डी, तो ये हो जाएगा माइनस एट प्लस थ्री डी, ये हो जाएगा प्लस वन माइनस थ्री डी, तो थ्री डी से थ्री डी कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एट प्लस वन मतलब माइनस सेवन। तो माइनस सेवन अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ये सेवन दिया है पर इसकी जगह होगा माइनस सेवन, ठीक है। सो माइनस सेवन आर रिक्वायर्ड आंसर।